दोस्तों ओप्पो लेकर आ रहा है मार्केट में नया फोन ओप्पो F11 Pro के नाम से, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है फ्रंट कैमरा मॉनिटराइज्ड पॉपअप की फॉर्म के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी ओप्पो F11 Pro के बारे में, देखते हैं क्या इस फोन की स्पेसिफिकेशंस, इस फोन की फीचर्स और क्या रखी गई है इस फोन की प्राइस। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक ऑफर रखा था कि Redmi Note 7 Pro का 50% डिस्काउंट के अंदर यहाँ पर गिव अवे किया जाएगा, जिसकी लिंक आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप यहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और जो भी एक रैंडम पिकर के अकॉर्डिंग जो भी एक कमेंट पिक की जाएगी वो बन जाएगा हमारे इस Redmi Note 7 Pro का विनर। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले ओप्पो F11 Pro के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरुजी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की, तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच की IPS की LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और ये जो फोन है हमें 9.0 पाई के अंदर कन्वर्टेड मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 855 और ऑक्टाकोर का हमें यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। एड्रीनो का 640 आपको यहाँ पे GPU इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इस फोन के वेरिएंट की, तो भैया यहाँ पे हमें मिलती है 6GB की रैम और 64GB और 128GB रोम के यहाँ पे अलग अलग आपको वेरियंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा की, क्योंकि कोई भी फोन हम उठा के देखते हैं तो बात होती है सिर्फ फोन के कैमरा और सिर्फ कैमरा की। तो इस फोन का जो कैमरा है वो हमें देखने को मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के साथ में। एपरेचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 2.4 का और वही एक LED फ्लैश हमें हमेशा से मिलता है, वही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरा की, तो जैसा मैंने आपको बताया था मॉनिटराइज्ड पॉपअप 32 मेगापिक्सल का आपका कैमरा दिखने वाला है। लेकिन उम्मीद है कि ओप्पो ने अपने फ्रंट कैमरे के अंदर सेल्फी मोड्स के अंदर काफी कुछ इंप्रूवमेंट किया होगा। फिलहाल 32 मेगापिक्सल का कैमरा पॉपअप मॉनिटराइज की फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। भैया ये हो गया फोन, अब आपके मन में ये सवाल है कि इस फोन की बैटरी कितनी होगी। तो बैटरी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पावरफुल बैटरी है, 4500 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। और आपको यहाँ पे जो एक है सी पोर्ट के अंदर आप इस फोन को चार्ज कर पाएंगे, जो कि काफी बेटर है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट सी पोर्ट के अंदर काफी इंप्रूवमेंट यहाँ पे दे जाता है। तो भैया ये था ओप्पो का एक कंप्लीट पैकेज। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ओप्पो F11 Pro जो है वो अपना पॉपअप मॉनिटराइज्ड जो कैमरा है उसको मार्केट में लेके आ रहा है काफी एक अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ में। अब बात आती है इस फोन की प्राइस की, कि प्राइस क्या होगी इस फोन की इंडिया के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फोन है वो हमें मिलने वाला है 35,000 के आसपास। और अगर आपको लगता है कि इस फोन के अंदर कुछ और एडिशन होना चाहिए था, या फिर कुछ फीचर आपको ऐसे लगे जो कि कंपैरेटिवली इतने अच्छे नहीं थे या बहुत अच्छे थे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो व्यूवर्स हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी और एंड्रॉइड फोन की वीडियो डेली लेकर आता रहता हूँ।